कर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, साल 2019 चुनावों का वर्ष है। लोकसभा चुनाव इस साल आयोजित हो रहे हैं, तो फ्रेंड्स हर एक एग्जाम में लगभग लोकसभा चुनाव से संबंधित क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे, और 23 मई को इनके जो रिजल्ट्स आएंगे उनके बारे में भी एक वीडियो बाद में बना दिया जाएगा आपके लिए। तो उससे पहले फ्रेंड्स, वन लाइनर क्वेश्चंस जो अभी के इम्पोर्टेंट हैं, हिस्टोरिक टाइप के, और जो नई नई घोषणाएं हुई हैं उनसे संबंधित ये वीडियो अवेलेबल करवाया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। जो भी फ्रेंड्स एग्ज़ाम्स में बैठना चाहते हैं अगले एक साल के लिए, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इनमें। 2019 में कौन सी लोकसभा चुनी जाएगी? 17वीं लोकसभा चुनी जाएगी 2019 में। लोकसभा चुनाव से संबंधित ये वीडियो है, और पिछली लोकसभा थी 16वीं लोकसभा, उसमें 15वें प्रधानमंत्री चुने गए थे, और फिलहाल 14वें राष्ट्रपति हैं और 13वें उपराष्ट्रपति हैं। तो एक क्रम से हैं 16, 15, 14, 13। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देख लेते हैं इनमें। कुल कितनी सीटों के लिए मतदान होंगे? 543 सीटों के लिए मतदान होंगे, और दो सदस्य, वर्तमान में कुल सीटें कितनी है? 545। दो सदस्य एक्स्ट्रा कौन है? एंग्लो इंडियन है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। यदि एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का बहुमत कम होगा तो राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करता है। और फ्रेंड्स, इन्हीं से संबंधित एक और प्रश्न है कि मैक्सिमम कितनी सीटें आगे बताया गया है, वैसे वीडियो में आपके 552 हो सकती है मैक्सिमम। 552 में से इस हिसाब से सेटल की गई हैं कि 530 राज्यों से होंगी और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, और फिलहाल 13 ही हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, इनकी जनसंख्या काफ़ी कम होने के कारण, और दो होंगे एंग्लो इंडियन। इस तरह से 552 बनती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहली बार मतदाता हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, मतदाता हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसका 1950 यदि आप डायल करेंगे तो कोई भी आप अपनी शिकायत वहां से सॉल्व करवा सकते हैं 1950 डायल करके मतदाता हेल्पलाइन नंबर पर। और फ्रेंड्स, आधार कार्ड की गलतियां सुधारने के लिए आधार कार्ड से संबंधित कोई भी शिकायत हो तो वो हेल्पलाइन नंबर क्या है, वो भी एक विशेष वर्ष है। जिस तरह से 1950 में भारत पहल गणतंत्र हुआ था, भारत का संविधान लागू हुआ था, उसी तरह उसी साल भी एक बड़ी घटना हुई थी, उसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स। लोकसभा चुनाव 2019 हेतु मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? कौन मेन जो ऑफिसर हैं जो लोकसभा चुनाव करवा रहा है, वो है सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा के हाथ में है पूरे चुनाव की बागडोर। अन्य चुनाव आयुक्त इनके हेल्प के लिए, तीन चुनाव आयुक्त होते हैं फ्रेंड्स, दो अन्य चुनाव आयुक्त और एक मुख्य चुनाव आयुक्त। तो दो अन्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा की तो अभी अभी नियुक्ति हुई है, इनके बारे में एग्जाम में आपसे करंट अफेयर्स के अंतर्गत जरूर पूछ सकता है। अशोक लवासा जो कि पहले से ही हैं अन्य चुनाव आयुक्त, तो तीन चुनाव आयुक्त। 1993 से पहले तीन चुनाव आयुक्त नहीं थे, 1993 के बाद तीन कर दिए गए हेल्प के लिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की हेल्प के लिए। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जल्दी से अगली वीडियो में आपके नाम शामिल करवाएगा, आगे आपको बता भी दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए जादुई आंकड़ा क्या है? 273 सीटें। जो भी पार्टी जीतना चाहती है उसको 273 सीटें जीतनी जरूरी है, चाहे गठबंधन करके जीते चाहे खुद इकली पार्टी जीते। 273 कैसे? जैसे कि 543 टोटल जो सीटें हैं उनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, तो 543 का आधा होगा 271.5, और यानी 272 ही हो गया, 272 से एक ज़्यादा सीट चाहिए लोकसभा चुनाव जीतने के लिए। पहली बार आम चुनाव किस साल हुए थे? 1951-52 में पहली बार आम चुनाव हुए थे भारत में। हिस्टोरिक क्वेश्चन भी शामिल किए हैं बीच बीच में, लोकसभा से संबंधित और भी जो भी जरूरी चुनावों से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, 24 वन लाइनर्स ही अवेलेबल करवाए गए हैं इस वीडियो में आपसे। और देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये थे सुकुमार सेन, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं आठ का, यह है चुनाव 2019 में पहली बार ईवीएम में शामिल होने वाली सुविधा कौन सी है? लोकसभा चुनावों में पहली बार शामिल होगी, हालांकि ट्रायल इसका किया जा चुका है
तो ये उम्मीदवार का फोटो पहली बार होगा, लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐसी सुविधा होगी कि उम्मीदवार का फोटो आपको दिखाई देगा जहां पर आप वोट डालने के लिए बटन दबाएंगे। अगला प्रश्न, 2019 लोकसभा चुनाव में कितने मतदाता हिस्सा लेंगे? टोटल 90 करोड़ मतदाता हिस्सा लेंगे इस बार के चुनाव में 17वीं लोकसभा को चुनने के लिए, और नए मतदाता कितने होंगे? 8.4 करोड़। इससे पहले ये 8.4 करोड़ लोग हैं, इन्होंने लोकसभा चुनाव में कभी भी मतदान नहीं किया हुआ, पहली बार ये मतदान करेंगे लोकसभा चुनाव में। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव कितने चरणों में होंगे? कुल 7 चरणों में आयोजित होंगे लोकसभा चुनाव, ये भी पता होना चाहिए। पिछली बार जब चुनाव हुए थे 9 चरणों में आयोजित हुए थे, तो ये एग्जाम्स में बार बार पूछा गया था, तो फ्रेंड्स ये फैक्ट्स भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, लोकसभा चुनाव 2019 के साथ कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव भी संपन्न होंगे? 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे लोकसभा चुनाव के साथ साथ, और ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा। फ्रेंड्स मोदी की जो मुहिम थी कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए, उसमें पहली बार में हालांकि 4 को ही शामिल किया गया है, लेकिन धीरे धीरे ये हो जाएगा आगे तक, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ आयोजित होंगे, खर्च भी बहुत कम, बहुत देश को फायदा होगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये है 13 का, 17वीं लोकसभा के परिणाम कब आएंगे? 23 मई को आपको रिजल्ट आ जाएगा। 17वीं लोकसभा के बारे में कौन कौन चुने गए हैं सारी डिटेल आपको पता लग जाएंगी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आदर्श आचार संहिता किस तारीख को लागू होगी? 10 मार्च से लागू होगी आदर्श आचार संहिता। और अगला प्रश्न, 7 चरणों में कब से कब तक चुनाव होंगे? 11 अप्रैल से 19 मई तक। और किन किन तारीखों को ये मतदान होने जा रहे हैं? 11 अप्रैल को, 18 अप्रैल को, 23 अप्रैल को, 29 अप्रैल को, और मई में 6, 12 और 19 मई को ये मतदान होंगे। 19 मई के 4 दिन बाद 23 मई को रिजल्ट आ जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? 552 सीटें अधिकतम हो सकती हैं, शुरुआत में मैंने आपको बताया था, जिसमें से 550 तो चुने जाते हैं और 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति नामित करता है। और फ्रेंड्स फिलहाल कितनी सीटें हैं? 545। और इसका रीजन भी आपको बताया था कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए 20 सीटें रखी गई हैं, लेकिन उनकी जनसंख्या कम होने के कारण वहाँ 13 ही सीटें हैं फिलहाल, तो इस तरह से 545 सीटें हैं टोटल। वर्तमान कुल सीटें ये फिर से दोबारा से लिख दिया मैंने, 545। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य कौन होते हैं? ये पहले बता चुका हूँ, एंग्लो इंडियन होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है लोकसभा के लिए, जो एंग्लो इंडिया में। लोकसभा के अन्य नाम क्या हैं? निम्न सदन और अस्थाई सदन, और राज्यसभा के इसके उल्टे हैं, उच्च सदन और स्थाई सदन। राज्यसभा जो कि उच्च सदन अपर हाउस कहलाता है, राज्यसभा होता है। अगला प्रश्न, लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में वर्णन है, और इसका ट्रिक भी मैंने अनुच्छेदों को याद करने का बना रखा है, बहुत ही सरल है, सरल नाम याद रखना आपको, सिर्फ सरल, सरल या सरला, सरल इजी रहेगा आपको याद करना। तो सरल में स से बन जाता है संसद, संसद होती है 79, और र से बन जाती है राज्यसभा, राज्यसभा है 80, और ल से बन जाती है लोकसभा, ये है 81। तो इस तरह सरल को याद रख सकते हो आप, इनको सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में अनुच्छेद इन संसद, लोक, राज्यसभा और लोकसभा के पूछे जाते हैं, तो हमेशा आपको याद रहेगा, स से सरल नाम याद रखो, जब तब भी अनुच्छेद का बात आए, लोकसभा, राज्यसभा, संसद का आपको पूछ ले, संसद आएगी 79, र से राज्यसभा 80, और ल से लोकसभा 81, ये है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न 22 का, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर का पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर, ये थे भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त
कौन थे? सुकुमार सेन। सबसे ज्यादा बार एग्जाम्स में पूछे हुए पर्सन हैं ये दोनों के दोनों, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त तो और पहले लोकसभा अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी है कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष को बोलते हैं स्पीकर। वर्तमान में स्पीकर कौन है, कौन फिलहाल स्पीकर है? और पहली महिला स्पीकर का मैं आपको नाम बता देता हूँ, पिछली कांग्रेस सरकार में थी मीरा कुमार, पहली महिला लोकसभा स्पीकर। और वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, ये हैं, ये फ्रेंड्स दूसरी महिला लोकसभा स्पीकर हैं। फ्रेंड्स, एक लोकसभा धन विधेयक के बारे में फैसला कौन करता है, किसके पास पावर है? लोकसभा अध्यक्ष ही फैसला करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने आपको बताया। सर्वाधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में 80 सीटें हैं, यूपी में कुल 80 सीटें हैं लोकसभा की। और यूपी में 80 याद करने का ट्रिक है, यूपी लस्सी, यूपी यूपी यानी तुम पीओ, यूपी को हिंदी में क्या कहेंगे? तुम पीओ। तुम क्या पीओ? लस्सी, लस्सी पीते हैं गर्मियों में ज़्यादा, तो लस्सी से क्या बन जाएगा? 80। ये इसको याद रखने का ट्रिक है, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न, लास्ट का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चंस मैं आपसे पहले पूछ चुका हूँ, उनके आंसर दे दीजिए। अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष क्या कहलाता है? प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं उसको, अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष। ये सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए नियुक्त किया जाता है, अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष। जैसे अभी जो सदस्य चुने जाएंगे उनको शपथ दिलाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाएगी, शपथ दिलाने के लिए स्पेशल। तो फ्रेंड्स, आंसर दे दीजिए। अभी अभी भी मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे थे उनके जवाब आ गए हैं आपके। तो जी क्वेश्चन थे, नीति आयोग के अध्यक्ष का नाम पूछा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा प्रधानमंत्री ही होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। और राष्ट्रपति कौन से क्रम के हैं, पीएम कौन से क्रम के हैं, ये क्वेश्चन पूछे थे, आपने जवाब दे रखे हैं सही से। सबसे पहले कमेंट आया सीएस सिंह का, उसके बाद ललित कुमार का, पप्पू खान का, छब्बी रानी का, उसके बाद पप्पू खान का, उसके बाद वीरेंद्र उदयवाल का, उसके बाद पप्पू खान है। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कम दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं, और जितने भी दोस्तों के आते हैं मैं शामिल कर लेता हूँ। पप्पू खान है, अमित उप्राती हैं, प्रियंका हैं, और लोकेश कुमार कश्यप हैं, विजय राज हैं। फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, उनमें ज़रूर शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किस तरह का वीडियो आप चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, और क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल होने के लिए मेरे वीडियोज़ को लाइक करते रहिए।